हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन टू द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो इसमें फर्स्ट न्यूज़ है कि इन कश्मीर मिलिटेंसी इज़ अ ब्लैक होल दैट सक्स इन यंगस्टर्स। तो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में कि रिसेंटली द यंगस्टर्स आर मोर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मिलिटेंसी। बहुत ज़्यादातर यंगस्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट कह रहा है कि पुलिस डाटा उसमें कह रहा है कि 10 लोकल यूथ ज्वाइन मिलिटेंसी ग्रुप एवरी मंथ। लगभग 10 लोग हर मंथ ये मिलिटेंसी को ज्वाइन करते हैं और ये एक सीरियस इश्यू है, क्योंकि बस इतना ही नहीं है कि यूथ कर रहा है बट कि एजुकेटेड यूथ कर रहा है। और यहाँ पर आर्टिकल कह रहा है कि दो स्टूडेंट जो भी ये ज्वाइन कर रहे हैं वो कौन है। कोई एम फिल का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई एम कॉम बी कॉम का स्टूडेंट है। तो अगर एजुकेटेड यूथ इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या है। पर लेकिन आर्टिकल ये भी कहता है कि टर्निंग पॉइंट है उसमें। तो क्या टर्निंग पॉइंट है? ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है, इनका नाम है माजिद खान। ये इन्होंने सरेंडर कर दिया और इन्होंने मिलिटेंसी को रास्ता, उनको मे बी ऐसा फील हुआ कि गलत है तो वो रिटर्न हो गए, रिटर्न आ गए वहाँ से। तो इनका जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड कह रहा है, अकॉर्डिंग टू JNK's डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कह रहा है कि 65 यूथ्स हैव बीन वीन्ड अवे फ्रॉम द मिलिटेंसी मिलिटेंट्स रैंक दिस ईयर। लगभग 65 जो यंगस्टर्स है वो वापस आ गए हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार ले भी रही है, क्योंकि अगर यंगस्टर्स यहाँ तक उस इस रास्ते को चुन रहे हैं तो ये एक गंभीर समस्या है। और जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया कि जो मिस्टर शर्मा है वहाँ पर इंटरलॉकेटर अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, और वो सब जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर अपनी राय देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। तो देखना होगा कि हाउ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू हैंडल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कैसे इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सॉल्व करने में अपना ये कैसे सॉल्व करेगी। ठीक है, तो आई अगली ये है अगली न्यूज़। रशिया अगेन वीटोज बिड टू रिन्यू सीरिया गैस अटैक्स प्रोब। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यूएस एनवाय जो है हेली सेज मॉस्को इज़ वेस्टिंग यूएन काउंसिल्स टाइम। ये कैसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी ये 11th टाइम है जब रशिया ने उसकी वीटो पावर का इस्तेमाल करके सीरियन रेजिम जो है, जिसे असद की जो रेजिम है उसको बचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अलाए हैं। अब वीटो क्या होता है? अब ये जो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनके पास ये एक वीटो पावर, मतलब एक हम कह सकते हैं कि विशेषाधिकार है, जिससे कि अगर कोई भी डिसीजन आए अगर उनके इंटरेस्ट में ना हो तो वो उसको सिंपल वीटो पावर से रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अपना खुद का एग्जांपल लेंगे, जैसे हम मसूद अज़हर को के बारे में जब वो टेररिस्ट घोषित करने के लिए जब भी हम रेजोल्यूशन लाते हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री भी लाती है, यूएस ने भी लाया था, तो उसको चाइना वीटो कर देता है। क्यों? क्योंकि चाइना के हिडन इंटरेस्ट है, हिडन क्या ओपन इंटरेस्ट ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हर फ्रंट में बचाना। तो इसी ऐसे ही रशिया और जो सीरिया है वो अलाय है, तो एक दूसरे को वो हर गेम में बैलेंस करने की कोशिश किए करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये 11th टाइम हो रहा है, वो एक सीरियस इश्यू है। इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जब वो गैस अटैक हुआ था वहाँ पर, तो आपको भी लगेगा कि वो गलत है और उसकी प्रोब होनी चाहिए। और जो भी जिसकी भी गलती है उसको जो भी कानूनन तरीके से गलत सज़ा हो वो देनी चाहिए। पर ऐसा इंटरनेशनल फोरम में तो खैर दिखाई नहीं दे रहा है रशिया के जो बिहेवियर है ओवरऑल उससे। अगला आर्टिकल है शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वॉन्ट इरेडिकेट पोल्यूशन। तो इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या बातें की गई है? इसमें ये कहा गया है कि जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स ली है उसमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमारा टारगेट है 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और 2022 तक
175 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूस करनी, ये हमारा टारगेट है। तो आर्टिकल इस ये बात कर रहा है कि ये अगर टारगेट अचीव करना हो तो किन किन मुद्दों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और सिर्फ ये अचीव करने के लिए जो हम रास्ते अपनाएंगे वो कितने सही है, इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। इसमें कहा गया है फर्स्ट पॉइंट कि रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स, हमें ऑयल इंपोर्ट्स हमारे कम करने पड़ेंगे। उसके बाद इसका असर क्या होगा, अगर हम ऑयल इंपोर्ट्स कम करते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा जोर देना होगा, जिससे कि ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, और ऑयल इंपोर्ट्स कम होगी तो वहाँ पर जो खर्चा होता है वो हम बचा के हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बनाने में या टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये कह रहा है कि जस्ट बिकॉज कार्स आरंट बर्निंग फॉसिल फ्यूल डजन मीन दैट इट्स इरेडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, जो हम कह रहे हैं कि 2030 तक हम पोल्यूशन को ख़त्म कर देंगे या पोल्यूशन को कम कर देंगे सॉरी, तो बस कार्स ला दिए और पोल्यूशन ख़त्म हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। तो क्या क्या होगा इससे चेंज, वो कह रहे हैं कि हम वी कैन नॉट जस्ट शिफ्ट द स्मोक फ्रॉम टेल पाइप टू थर्मल पावर प्लांट, गाड़ी के पिछवाड़े से जो धुआं निकलता है वो उठा के हम अगर थर्मल पावर प्लांट में बिठा दें तो इससे पोल्यूशन को कम करने की बात नहीं होगी, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी तो उनको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट से, तो बस पोल्यूशन तो ऐसे का वैसा ही रहेगा। और एक एक सोशल प्रॉब्लम इन्होंने बताया है कि कोल पावर प्लांट जो होते हैं वो सिटी से दूर रहते हैं, जहाँ पर कि पॉपुलेशन कम है, तो जहाँ वो धुआँ छोड़ रहे होते हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, पर उनके मे भी वो रजिस्ट कर रहे होंगे बट दे डोंट हैव दैट मच पावर, वो उनको उतना पावर नहीं है कि वो इतनी अपनी आवाज़ इतने ज़ोर से बताए कि गवर्नमेंट को पता चले कि दैट दे आर सफरिंग। पर यही अगर यही प्रॉब्लम्स सिटी को भी कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, जिस जो जो बाय प्रोडक्ट है या हम कह सकते हैं कि जो कंबशन के द्वारा बाद जो धुआं निकलता है उसमें जो SOx और NOx होता है वो हवा में बहुत दूर तक ऐसा चला जा सकता है और उस अर्बन सेंटर्स तक पहुंच सकता है, जिससे प्रॉब्लम अर्बन सेंटर में रहने वाले लोगों को भी हो सकती है। तो ये एक सीरियस इश्यू है। अब ये एक कैलकुलेशन बता रहा है कि अगर मान लो कि इफ़ वी गेट 1 मिलियन 10 लाख इलेक्ट्रिक बसेस ले ली, तो अगर उनको फिर कितनी एनर्जी लगेगी चलने में, उनको एनर्जी लगेगी 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी उनको चलने के लिए। और हाँ, अब इतनी एनर्जी सिर्फ ये बसेस के लिए, अब मान लो कि हम ये भी कह रहे हैं कि ऑल व्हीकल्स, तो प्राइवेट व्हीकल्स अगर भी इंक्लूड कर दे तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 175 गीगावाट जो हमारा टारगेट है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, यही इस आर्टिकल में कहा गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कॉम्प्लेक्स GST प्रोसेस हिटिंग ई कॉमर्स स्टार्टअप। अब जब से GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हैं, और ये है जो है एक ऑनलाइन सेल्स ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स है, एक स्टार्टअप है, ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स GST प्रोसेस हिटिंग ई कॉमर्स स्टार्टअप। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बुडमू नाम की एक ई कॉमर्स साइट है जिस पे ये कार कंपोनेंट्स या ऑटोमोबाइल पार्ट्स बेचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अ हायर टैक्स रेट ऑफ 28% फॉर ऑटो कंपोनेंट्स एंड फॉर लॉजिस्टिक ऑफ स्पेयर पार्ट एज वेल एंड अ कॉम्प्लेक्स GST मॉडल हैज़ इम्पैक्टेड एडवर्सली ई कॉमर्स स्टार्टअप। तो ये कह रहे हैं कि इसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए इतने हायर टैक्स से, क्योंकि एक स्टार्टअप है। अब एक तरफ हमारी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया की भी एक इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट को ये सीरियसली लेना चाहिए और इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि स्टार्टअप सर्वाइव कर सके, क्योंकि वो ही इनिशियल स्टेज होता है जब स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है, तो उसी में अगर उनको इतना हाई बर्डन ऑफ टैक्स आ जाए तो ज़रूर वो प्रॉब्लम ही फेस करेंगे। तो ये यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट सोच भी रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में रेस्टोरेंट में भी जो 18% टैक्स था वो घटा के 5% कर दिया है, सब में नॉन एसी नॉन एसी वो सब जो सेग्रीगेशन था वो सब हटा दिया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट में स्टार्टअप के लिए भी कुछ
पॉजिटिव चेंजेस लेने चाहिए। अगला एक इंटरव्यू है, ये है प्रोफेसर टीटी राम मोहन, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर है। इन्होंने अभी जो गवर्नमेंट ने बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन का जो प्रोसेस किया है उसके ऊपर इनकी टिप्पणी है कि ये इंटरव्यू है, आप ज़रूर पढ़िए इसको। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सब जो हमारा जो इशू है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का और गवर्नमेंट ने किस तरह से है उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन के बारे में उन्होंने स्टेप्स लिए, वो कैसे सही है। वो कह रहा है कि कुछ लॉस नहीं है, बट ये क्या करेगा, इट वुड इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि लेंडिंग बढ़ेगी इनकी, तो लेंडिंग बढ़ेगी। पहले क्या हो रहा था कि नॉन परफॉर्मिंग इसलिए थे कि बैंक हिचक रहे थे देने में, तो अगर वो लेंडिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, इकोनॉमिक बूस्ट कैसे करें। तो ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी था बैंकों को, जो रिकैपिटलाइजेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने किया है। तो आई वुड रिकमेंड यू हाईली टू रीड दिस इंटरव्यू, दिस इज़ रियली गुड इंटरव्यू।